उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया से कहा, इलाहाबाद को आज से प्रयागराज कहा जाएगा। इस मामले का विरोध करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ सोमवार को इस मामले में बयान जारी करे थे। आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी से पहले शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट अकबर ने गंगा और यमुना के संगम के पास एक किला बनाया और इसे इलाहाबाद नाम दे दिया था। उनके पोते शाहजहां ने पूरे शहर इलाहाबाद का नाम बदल दिया। नदी के संगम के पास एक क्षेत्र प्रयाग के रूप में जाना जाता है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राम नायक ने 13 अक्टूबर को कुंभ मेला मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। आदित्यनाथ और इनमें से कई मंत्रिमंडल मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया था। आदित्यनाथ ने मीडिया से कहा कि प्रयाग वह जगह है जहां भगवान ब्रह्मा ने पहली यज्ञ अनुष्ठान बलिदान किया था। यहां तीन नदियां एक साथ मिलती हैं, इसलिए इसी प्रयागराज कहा जाता है। राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता अंकर नाथ सिंह ने कहा कि प्रस्ताव देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राजा हर्षवर्धन ने अपने दान से प्रयाग कुंभ का नाम किया था और आज के शासक केवल प्रयागराज नाम बदलकर अपना काम दिखाना चाहते हैं। इन्होंने तो अर्धकुंभ का भी नाम बदलकर कुंभ कर दिया है। ये परंपरा और आस्था के साथ खिलवाड़ है।